हार्ट ब्रेक सॉन्ग है। तो हमारी केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में आई थिंक हम ऑडियंसेस पे छोड़ते हैं, व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। आप लोगों ने अभी भी वीडियो देखा तो आप लोगों का फीडबैक देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेजिंग लगा, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वी आर कॉन्फिडेंट कि व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। केमिस्ट्री उन पर छोड़ देते हैं, वो देखेंगे एंड वही हमें फीडबैक देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपना बेस्ट दें एंड ट्रस्ट मी हमने अपना बेस्ट दिया है। बहुत मेहनत की है, बहुत ही पैशनेटली यू नो काम किया है, इस वीडियो में शूट किया है। तो बाकी सब कुछ ऑडियंसेस के हाथ में है। ऑडियंस इज द किंग, ऑडियंस इज द किंग, दैट्स ट्रू। एंड या आई वुड लाइक टू जस्ट से द सेम कि हमने बहुत मेहनत करी है। आई थिंक हम पहले भी बता ही चुके हैं कि एक दिन में हमने वो पूरा डांस सीक्वेंस रिहर्स किया था एंड देयर वर 3 सीक्वेंसेस विच वी रिहर्स। सो अब आप सोच ही सकते हैं कि वो कंटेम्प्रेरी सीखने में, लिप्स करने में, मतलब क्या जान गई थी हम लोगों की, ओनली वी नो। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कैन क्रिएट समथिंग सो नाइस एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर लाइकिंग इट। लाइक आई एम ऑलरेडी रिसीविंग द रिस्पॉन्स एंड इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। केमिस्ट्री के बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जब हम शूट कर रहे थे ना, शूट से पहले एक दिन हमने रिहर्स किया, तो पूरा दिन हमने रिहर्स किया। सो उसमें मुझे यू नो काफ़ी डांसिंग है, काफ़ी स्टंट्स है, लिफ्ट्स है, तो अच्छी चीज़ें बतानी है, अच्छी चीज़ें बतानी है। वहाँ से केमिस्ट्री बिल्ड हुई ना। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चोट लग गई मेरी वजह से, आई एम सॉरी। मतलब एक पंच लगा, एक थप्पड़ पड़ा, बस एक थप्पड़, तो वहाँ से केमिस्ट्री बिल्ड हो गई। डांस में आपने वीडियो में आपने देखा कि एक वीडियो में ये छोड़ भी देते हैं। हाँ, वो कैसा था उसके बारे में बताओ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम डे 1 टिल डे 4 इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। दैट वाज एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। वो एक्चुअली वो सीन की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ सिनेरियो से, सिचुएशन से, उस सर्कमस्टेंस ऐसी थी कि मेरे सामने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ जा रही है और उसे और अब म्यूजिक वीडियो में क्या होता है, डायलॉग्स नहीं होते, राइट, ज़्यादातर डायलॉग्स नहीं होते हैं। आपको आंखों से और एक्सप्रेशन से इमोट करना होता है, फेस से इमोट करना होता है, बॉडी लैंग्वेज से इमोट करना है। तो मेरा वही था, वही मेरा यू नो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अब ओ माय गॉड के बाद मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना है, तो वो वैसी सर्कमस्टेंस थी, ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो गिर जाती है। दैट वाज एन एक्ट, इन्होंने मुझे कभी नहीं गिराया, रिहर्सल में भी नहीं गिराया। दैट इज द रीजन वी कुड डू सो मेनी लिफ्ट्स एंड आई ट्रस्टेड हिम। लाइक हमने कुछ डांसेस भी किए थे प्रैक्टिस, तो वो ऐसे थे कि मैं गिर भी सकती थी, चोट भी लग सकती थी, बट आई ट्रस्टेड हिम, इट जस्ट केम इजी, इज अ गुड पर्सन। संजय जी, यू नो जब आपके बारे में आपके दोस्त आके कहते यार तेरे बारे में बड़ी बातें हो रही है कि शादी कब करेगा, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा, या मतलब बहुत सारी बातें जब होती है कि दोस्त आके कहते यार तेरे बारे में बहुत बातें हो रही है, स्पेशली शादी की, तो कुछ क्या रिएक्ट होता आपको? बातें तो यार होती रहेंगी, आई थिंक शादी से पहले भी होती है, शादी के बाद भी होती है। बट पूनम मेरी फियांसे है, 2018 फरवरी से हम लोग एंगेज्ड है एंड विद गॉड्स ग्रेस हम लोग बहुत खुश हैं। वो भी आती होगी 10 मिनट में, तो जब वो मेरे साथ यहाँ बैठेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। एंड बहुत जल्द हम लोग डेट भी रिवील करने वाले हैं। यस, 2021 में। ये मैं अभी आपको न्यूज़ आ रही है, रूमर आ रही है, काफी न्यूज़ आ रही है, मतलब कि इसी साल शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं, मतलब शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। आई थिंक वो बहुत टाइम लगा दिया ना हमने, इसलिए तो लोगों को शक हो गया। कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट में सबका शक जो है वो नहीं, पृथ्वी सिर्फ ऑन स्क्रीन ही यू नो, ये पृथ्वी का पी भी नहीं है। लेट मी क्लियर दैट यू गाइस, मतलब माय रिएक्शन टू हिम, मतलब आई हैव टोल्ड हिम दिस कि यार इन रियल लाइफ यू आर समबडी एल्स, मतलब एज एन एक्टर यू ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो आप नोटिस करते हो कि इनकी पृथ्वी की जो पर्सनैलिटी इज लाइक वेरी लाउड एंड आवाज़ ऐसे उठी रहती है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। आई हैव टोल्ड हिम ऑल ऑफ दिस बट इन him in person, he's a totally different person. He's so kind, he's so humble, and he's such a gentleman and soft. सुन रहे हो? हाँ, काफी प्यार से धीरे से बात करता है। मैंने कहा तुम ही हो ना जो पृथ्वी देगा। सोच सकते हैं कि अगर आपके लिए अलग रोल, अलग कुछ बन जाएंगे। ये गाने में काफी आपने इस तरह से काम किया आपने। मैं बहुत टाइम से कुछ ऐसा करना चाहता था, because you know मैं हमेशा से मेरा ये मानना था कि मैं टाइपकास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने कुंडली भाग्य का शूट स्टार्ट किया था उसी वक्त से मुझे ये फीडबैक मिलता रहा है कि आप विलन की तरह नहीं लगते हो, बट फिर भी ऑडियंसेस ने यू नो एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार दिया, टैग दिया विलन हीरो। तो मेरे लिए ये जो पूरी जर्नी है 4 साल 1000 एपिसोड की, वो बहुत ही सरप्राइजिंग रही है, बहुत ही मैजिकल रही है। मतलब हर दिन मुझे शॉक पे शॉक मिलता जाता है, ऑडियंसेस मुझे शॉक करते हैं रिएक्शन से। सो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो पृथ्वी से अलग है, कुछ ऐसा करूँ जिसमें मैं पृथ्वी दिखूँ ना, पृथ्वी का पी भी ना हो। तो जो लोगों का ये मानना था कि ये सिर्फ एक विलन नहीं है, ये एक हीरो का रोल भी कर सकता है, ये मेरी तरफ से उनको गिफ्ट है। तेरे बारे गाने का नाम है तेरे बारे में, तेरे बारे, तो इसलिए मैं ये महसूस करता हूँ आपके बारे में ऐसी बातें होती है कि कहाँ गांधारी, ऐसी गांधारी जो गिरती है, गिराती है लोगों को। क्या रिएक्ट पता है आपका, है क्या फील होता है आपके बारे में? गिरती है गिराती है, मतलब गाने में गिरती है गिराती है, थप्पड़ मारती है, पंच मारती है और फीट पे लैंडिंग करती है। मैं जैसे ओह नो यार, गांधारी कुछ अलग ही था और ये कुछ अलग ही है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस स्टिल, बिकॉज लोगों ने मुझे हमेशा हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल शोज़ में देखा है। सो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था टू शो माई रियल सेल्फ, यू नो, माई प्रेजेंट सेल्फ थोड़ा। एंड आई ट्राइड कि, हालांकि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है बिकॉज मैंने बेचारे का दिल खोला है, बट आई ट्राइड कि जहाँ पे इनके साथ जेन्युइन मोमेंट्स थे वहाँ यू कुड सी द जेन्युइन साइड ऑफ दैट कैरेक्टर। एंड of course everybody has their own story, my character had my own story, why did I move on, why did I break his heart, but my whole point was ki ye modern Mahabharat, modern Gandhari nahi hai, ye Riya ka ek kirdar hai। Gandhari to khair mere liye bhi bahut challenging tha, because 4 साल से मैं लोगों का दिल तोड़ता आ रहा हूं और फाइनली मेरा दिल टूट गया। oh I got you। तो तेरे बारे एक ऐसा सॉन्ग है जो हर कोई रिलेट करेगा, हर कोई गाएगा, हर किसी को डेडिकेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को। तेरे बारे कोई किसी के लिए भी गा सकता है, कहीं भी यू नो इस गाने को बजा सकता है। एंड बहुत ही प्यारा सा सूदिंग हार्ट ब्रेक रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये। इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिंदी, पंजाबी एंड रैप, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। So I think it's a beautiful song, and I just wish and hope कि audiences को पसंद आए। You will listen to this song, and I have been to a time where I was listening to this song and it was soothing, it was nice, it was a good feel, but actually it's a heartbreak song. After a while, the song changed for me, and one night I was listening to it and I was like, यार मुझे थोड़ा अपसेट फील हो रहा है। सो दिस सॉन्ग इज सो मैजिक, शायद आप उसको जितनी बार सुनोगे the song has its own layer। सो मुझे लगता है कि लोग ये रिपीट पे सुनते रहेंगे और इट जस्ट ग्रो ऑन यू लाइक इट हैज़ ग्रोन ऑन अस। सो जाते जाते क्या आप मुझे एक दूसरे के बारे में कुछ एक फ्यू लाइन्स गुनगुना सकते हैं एक दूसरे के लिए? आपको पूरा गाना मैं तो बेसिकली ये जो सॉन्ग है ये जिसका दिल टूटा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं तो पूरा गाना ही गा सकता हूँ। बट जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस सॉन्ग का, वो जो एंडिंग, जो क्लाइमेक्स है, आपने देखा होगा वो वाला, ना कोशिश हुई तो कितनी, ना मुड़ के सामू तकिया, मैं फिर भी अपने दिल विच यादां नूं साम के रखिया, दिल मेरा टूटा जैसे होता रे, हर कोई पूछे मुझसे तेरे बारे। तो उनके लिए बोल दीजिए। अरे मैंने आधा दिखाई दिया, आधा मिस कर दिया इन लोगों ने। बहुत अच्छा लगा।